ओम श्री साईनाथाय नमः। भगवान श्री साईनाथ महाराज ने अपने जीवन काल में जो अनुपम अनुभूतियाँ अपने भक्तों को दी है, ऐसे चुनिंदा लीलाओं का अवलोकन करते हैं श्री साई बाबा की अनुपम लीलाएं। श्री साईनाथाय नमः। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। आज जो हम लीला उसका अध्ययन करने जा रहे हैं, वो लीला बाबा के सर्वांतर्यामित्व और हर एक जीवात्मा की गति, उनका काल, ये बाबा कैसे प्रकृति के पूरे नियमन पर बाबा का कहे, बाबा की कैसी अधिसत्ता है, बाबा का अधिकार क्या है जताने वाली है। ये जो लीला है 1939 के साई लीला मैगजीन पर छप कर आई थी। हालांकि इसमें कोई ऐसा कोई बड़ा उथल पुथल नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली बाबा ने बताया था। और अगर होता नहीं है, अगर ठीक नहीं होता है, तो बाबा सीधा बोल दे सकते थे कि इसका बोल देते थे कि इसका क्या होने वाला है। अब तक हमने कौन सी लीलाएं सुनी, बाबा ने उदी लगाई, बाबा ने आशीर्वाद दिया, हुआ। अब इसमें क्या होता है, कुछ जगह एक बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बाबा का अधिकार क्या है ये जताने वाली जगह है, ये लीला है। 1913 में लेखक लिखता है कि भाई 1913 में मुझे ये अनुभूति प्राप्त हुई। उनके साले साहब थे मिस्टर मोहिले करके, वो मोहिले को जब उनकी लड़की पैदा हुई तो पैदाइशी उनके उनका जो होठ होता है ना ऐसा टूटा हुआ, क्या उसका मेडिकल टर्मिनोलॉजी मुझे पता नहीं, लेकिन ये ऐसा दांत अंदर से दिखते हैं और ऐसा टूटा हुआ रहता है, दुभंग वे खंडित होता है, वो जरा एक साथ में नहीं होता है, तो वो दिखने में बड़ा अजीब लगता है। वो डॉक्टर के उपाय से वो ठीक होता नहीं है, बस वो प्लास्टिक सर्जरी वगैरह में आजकल वो कर रहे हैं लोग, लेकिन वो ओरिजिनल चीज़ नहीं आती है, लेकिन आजकल वो उसका प्रगत एडवांस्ड मेडिकल साइंस की वजह से वो रिकंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो रिस्टोर कुछ हद तक होता है। उधर ऐसा उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था। तो 1913 के दिसंबर महीने में बाबा की कीर्ति सुनी थी, तो ये सब परिवार, उनके जो ये साई भक्त, उनके साले साले हो गए, बहनों ही हो गए, जो भी है बहनों ही, और साथ में वो लड़की को लेके वहाँ गए। उनको जाते ही मस्जिद भाई में जैसे बैठे, बाबा ने कहा, मुझे मालूम है आप किस लिए आए हो, मेरे बुद्धि से, मेरे आशीर्वाद से लड़की ठीक हो जाएगी, इसलिए आप बड़ी आशा से अपेक्षा से आए हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बताऊं, ये लड़की बहुत अल्पायुषी है, ये देव मानुष लड़की है, ये जो देव मानुष लड़की है, और ये बहुत चंद दिन की मेहमान है, ये जाने वाली है। और एग्जैक्टली टाइम दिया था माघ शुद्ध चतुर्थी, माघ शुद्ध चतुर्थी को, ये दो पैर को दो प्रहर बोलते हैं उसको, है उसमें ये इसका अंत हो जाएगा। एग्जैक्टली बाबा ने बोला माघ शुद्ध चतुर्थी आनी, ये तो आने वाला जो माघ है उसमें शुद्ध चतुर्थी में ये चली जाएगी। हाँ, लेकिन एक है इसमें, जब वो चली जाएगी तू घर में नहीं रहेगा, हालांकि तुझे डेट मालूम है, लेकिन ऐसी कुछ मजबूरियां तुझे आएगी कि तुझे ऑफिस में जाना पड़ेगा, तेरे पीछे वो चली जाएगी, तेरा और उसका आखिरी जो संबंध या दर्शन है, जो दर्शन वो होगा नहीं,
तुझे बहुत ज़रूरी काम के लिए और इसके लिए कि ऐसी विपदा या ऐसा एक प्रसंग आ जाएगा कि जिसमें तुझे जाना ही पड़ेगा, और जब तू वापस आएगा तब तक इसका देहांत तो हो चुका होगा। ये ऐसा ही घटित हुआ माघ महीने के शुद्ध पक्ष में चतुर्थी को। ये लड़की दोपहर को चल बसी। हालांकि उनको मालूम था आज ये ऐसी ऐसी घटना घटित होने वाली है, लेकिन नौकरी के सिलसिले में ऐसा कुछ हुआ कि चलो अपन जाके आते हैं आधा एक घंटे के लिए, लेकिन आज आप मेरा यहाँ रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो नहीं आ पाए और वो लड़की चल बसी। क्या कहती है ये लीला, बाबा की सर्वसत्ता प्रकृति पर कैसी चलती है, वो जीवात्मा का कितना जीवन काल है, वो कब तक वो रहने वाला है। और उन्होंने कहा था ये देव मनुष्य है, यानी हाई लेवल का ये शुद्ध जीवात्मा है, ये कुछ चंद दिनों का मेहमान है और ये लड़की बिल्कुल अल्प आयुषी है, वो रहने वाली नहीं, उसका आयुष्यमान बहुत छोटा है। हर एक जीवात्मा का लेखा जोखा बाबा के पास होता है, और बाबा ने कहा वो नहीं आएंगे वापस, और उसका कोई आप बुद्धि लगाओ ये लगाओ सब ठीक है, ठीक ठाक रहने वाली है, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक ये पृथ्वी तल पर नहीं रहने वाली, क्लियर कट बाबा ने कह दिया था। यह है बाबा, यह है बाबा की सत्ता। सृष्टि के सर्व नियमन को बाबा अपने हाथ में लेते हैं, और एकाद जीवात्मा की जो गति है वो गति भी बाबा को अवगत होती है, ज्ञात होती है, और उस हिसाब से वो कहते भी है। ऐसे हमारे दयालु कृपालु साईनाथ महाराज सर्वसत्ताधीश, और बड़े भाग्य से हमें इनके चरण कमल का लाभ हुआ है। हम बाबा इसी प्रार्थना के साथ आज का वीडियो हम यहाँ ख़त्म करते हैं कि हमें आपके चरणों से कभी दूर नहीं होने देना, कैसी भी परिस्थिति आने दो, हमें अपना बनाए रखना प्रभु। ओम साईं राम।